हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुप्त पदों को भरना। दो तीन टाइप का इसमें प्रश्न पूछा जाता है आपके लेवल पे, तो वही हम लोगों को पढ़ना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है, मतलब लुप्त पदों में ये भरना। ठीक है, तो किसी भी दी गई आकृति में, अगर हम इसके परिभाषा की बात करते हैं एक तरह से, तो किसी भी दी गई आकृति में शब्दों या अंकों के एक निश्चित निर्देश में, शब्दों या अंकों के एक निश्चित क्रम में अगले संख्या को ज्ञात करना ही लुप्त पदों को भरना ये कहलाता है। कि मतलब कि क्या आएगा, ठीक है, निश्चित ये जो क्रम चल रहा है इसमें जो खाली स्थान है इसके जगह पर क्या आएगा, यही हम लोगों को जानकारी इकट्ठा करनी है, जानकारी पानी है। और यह आप लोगों को एक सच्चाई बता दें इसके बारे में कि यह बेहतर कैसे होगा, कैसे ये पूरा क्वेश्चन आता है, जैसे कि बस अपना दिमाग लगाना रहता है। और दूसरी बात कि जितना अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक से अधिक आपको क्या होगा, जानकारी होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर हम बिना ऑप्शन के देखें तो इसमें इसमें दो आंसर हो सकते हैं, एक हो सकता है एक और दूसरा हो सकता है 16। बिना ऑप्शन के दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, बिना आंसर के, ठीक है, मतलब ऑप्शन के। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही रहेगा, मतलब क्या, यहां पे अगर एक रहे तो एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ, ठीक है। और अगर यहां से शुरू होता है तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, इसलिए एक और 16 यहां पे दोनों हो जाने की संभावना है। तो ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। Inserting the missing character, आइए हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि कितने प्रकार से ये सब क्वेश्चन होता है। हम लोग मिक्स क्वेश्चन आज देखेंगे, दो तीन प्रकार से ही होता है, जैसे कि वर्ग के आधार पर, ठीक है, गुणा और योग के आधार पर, और कौन सा, गुणा और भाग के आधार पर, यही दो तीन टाइप का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं कि देखिए कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी आकृति दे देता है, कोई भी आकृति दे देता है, ठीक है, अगर सही नहीं बना होगा तो मान लीजिएगा, ठीक, ये इस टाइप का है, ठीक है, कोई भी आकृति मान लीजिए दे दिया, ठीक, अब इसमें ये पूछ लिया, बहुत ही आसान है, देखने से ही मालूम चल जा रहा है। फिर मैं एक बात और रिपीट कर दूं आप लोगों से कि मैथ और रीजनिंग लगाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या हम लोगों को मालूम होना चाहिए, कम से कम 25 तक पहाड़ा, 15 तक क्यूब और 30 से 40 तक वर्ग, इतना हम लोगों को मालूम है तो गणित कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को 25 तक पहाड़ा और वर्ग, क्यूब, ये सब मालूम होना चाहिए। यहां देखने से मालूम चल गया कि 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 9 का यहां भरना है, 8 का वर्ग 64, यानी 9 का कितना हो जाएगा, 81, यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा 81, तो हमें वही क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक। एक तो इस प्रकार का डायग्राम दे देता है, एक मैंने डायग्राम बता ही दिया, एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं, देखिए ध्यान से, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, जैसे दे दिया यहां पे 6, 36, 24, 7, 49, 35, ठीक, और फिर दे दिया 4, 16, यहां पे खाली स्थान, ठीक। अब ऑप्शन दे दिया 6, 8, 10, 12, ये ऑप्शन दे दिया,
6, 8, 10, 12 ये ऑप्शन दे दिया। अब इसमें देखिए कि क्या लग रहा है, इसमें गुणा गणित लगाइए और देखिए कि क्या लग रहा है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के भी डायग्राम दे करके पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या हो रहा, 6 में 6 का यहां पे गुणे करेंगे 6 बार तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 2 कम करिए, 6 में 2 कम करिए, 6 चौका 24, यहां में मतलब कि यहां से यहां में गुणे 4 बार यानी 2 कम करके सेम वही प्रोसेस, 7 × 7 = 49, 7 बार गया है। फिर 2 कम करिए, 7 × 5 = 35। फिर यहां देखिए 4 चौका 16, यानी जो संख्या है पहले उसी में गुणा, फिर क्या करना है 2 कम करके गुणा, तो 4 चौका 16, तो 4 × 2 = 8। ठीक, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसे भी प्रकार दे देता है। अब देखिए कि और कैसे कैसे देता है। ये सब सारे सवाल जितना ही आप अपना दिमाग जल्दी जल्दी लगाएंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे इन सब क्वेश्चनों का, उतना ही जल्दी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, मैं सारे तो नहीं लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर भी चल रहा है, तो जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं अभी तक कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो वाले लिस्ट में जा करके प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि और किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। देखिए एक डायग्राम, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस डायग्राम है। आप लोगों के समझाने के लिए देखिए, यहां पे ध्यान से देखते चलिएगा और आंसर बताइएगा आप। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम 4 लिख देते हैं, यहां पे 8 लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 7, यहां पे 2, तो कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ऑप्शन दे दें, बिना ऑप्शन का लगा के बताइए, बिना ऑप्शन का लगा के बताइए कि क्या हो रहा है। ऐसे भी एक, मैं सिर्फ आप लोगों को टाइप बता रहा हूं कि किन किन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए क्या आप लोगों को दिख रहा है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए यही होता है गुणा और जोड़ पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या हो रहा है, 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20 और 4 × 3 = 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि क्या हुआ है, किनारे किनारे का मतलब आपस में गुणा, फिर किनारे किनारे का गुणा, फिर क्या किया गया है, दोनों जोड़ लिया गया। ऐसे इसमें 7 × 1 = 7, 9 × 3 = 27, 27 और 7 कितना होता है, 34 होता है। ऐसे ही इसमें 8 चौका कितना हो गया, 8 चौका हो गया 32 और 7 × 14 तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 = 46, यहां पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन इसमें देता है। ठीक, ये गुणा और जोड़ पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिस पर ही आधारित है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ये क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें मालूम चल जाएगा कि हाँ इस टाइप का भी इसमें बन सकता है, इस टाइप का भी इसमें बन सकता है। ठीक है, जितने भी प्रकार लगाएंगे ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन मिले धड़ाधड़ आप लोगों के दिमाग में वो सारे टाइप चलने लगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जितना ही इस क्वेश्चन को लगाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कई कई बार क्वेश्चन फंसाऊ भी आ जाता है, कई कई बार नहीं बनता है क्वेश्चन। ठीक, तो हमें यही सब देखना है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्वेश्चन है, एक है सर्कल,
इसमें है चार, सॉरी चार नहीं है, छह। इसमें कितना है? छह है। अब यहां पे भरना है हम लोगों को, ये है तीन, ये है पांच, ये है आठ, ये है तेरह, ये है बाईस। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है एक, छब्बीस, उनतालीस और पैंतालीस। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। अब आइए, जैसे मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया था कि इसमें कोई भी हो सकता है, एक भी दिया था और कितना दिया था, सोलह भी दिया था, तो देखिए घुमाने फिराने के लिए एक भी दे दिया, मतलब कि यहां पे, ठीक। अब मैं नहीं जानता, अब देखिए इसमें रॉकेट साइंस, क्या इसमें रॉकेट साइंस है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे गैप कितना है, दो का है, यहां पे गैप कितना है, तीन का है, यहां पे गैप कितना है, पांच का है, यहां पे गैप कितना है, तो नौ का है। ये क्या चल रहा है, दो तीन पांच नौ, दो तीन पांच नौ, कोई सीरीज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई सीरीज मिल रहा है। अगर हम यहां पे 11 लेते हैं तो 33 होगा, ठीक, ये विषम भी नहीं है, सम भी नहीं है। अगर हम इसमें फिर से वही गुणा और भाग पर आधारित या फिर गुणा और माइनस पे आधारित अगर करते हैं तो तीन दूना छह, छह में से एक गया पांच, पांच दूनी दस, दस में से दो गया आठ, आठ आठ दूनी सोलह, सोलह में से तीन गया तेरह, तेरह दूना छब्बीस, छब्बीस में से चार गया बाईस, बाईस दूना चौवालीस, चौवालीस में से पांच जाएगा कितना हो जाएगा, उनतालीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उनतालीस हो जाएगा। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन फंसाऊ भी मिल जाते हैं कि क्या इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और भी एक आध क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्वेश्चन लग जाएगा जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पांच चार नौ बीस, इसमें है तीन आठ ग्यारह चौबीस, इसमें है, इसमें क्या है, नौ चार क्वेश्चन मार्क तेरह। अब इसमें बताइए, ये पूछा गया है यूपी बीएड 2008 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2008, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें अब कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप कमेंट करिए, बिना ऑप्शन के इसको लगाने की कोशिश करिए। यहां पे देखिएगा, पांच चौका बीस और पांच चार नौ, आठ तरीका चौबीस, आठ तीन ग्यारह, वैसे ही नौ चार तेरह, नौ चौका छत्तीस, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना मिल गया, छत्तीस, छत्तीस हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो जैसे ही जैसे आप इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही जैसे आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही क्या होगा, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को प्रोसेस मालूम चलेगा कि इस टाइप का इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी ही देखिए कि सारे जो ईयर का पेपर हुआ है 2018 से लेकर के अब तक का लास्ट पांच ईयर का, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाएगा और आप लोग देखते रहिए उसे प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि कुछ आइडिया लगता रहे आप लोगों को। जीएस जीके में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बाकी सारे विषय धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।